नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और लेकर चलेंगे आपको 80 के दशक में। हालांकि इंडस्ट्री में अधिकांश अभिनेता और निर्माता वही थे जो उससे पहले वाले दशक में थे, फिर भी 80 के दशक की फिल्मों में बहुत बदलाव आ गया था। राजेश खन्ना के लिए ये दशक बहुत व्यस्त होने के अलावा और भी कुछ होने वाला था। उन्होंने अमरदीप के रूप में 70 के दशक को एक तरीके से संतोषजनक ढंग से विदा किया था, लेकिन उनकी सफलताएं अब किसी के लिए चुनौती नहीं थी। एक ताज जीतने वाले का मुकाबला करने वाले अमिताभ बच्चन ने 1975 और 1979 के बीच काफ़ी ज़मीन तय कर ली थी और वन मैन इंडस्ट्री बनने की राह पर थे। उसी दौरान कल्पना से बाहर राजेश खन्ना तकलीफ देने वाली, हद तक सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाले अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन के बेहद करीब आ गए। लेकिन अब उनका बेहतरीन से बेहतरीन भी कोई मायने नहीं रखता था, वक्त वक्त की बात है। राजेश खन्ना ने 80 के दशक की शुरुआत उनके लिए एक नामुमकिन सी लगने वाली फिल्म के साथ की, हॉरर, डर पैदा करने वाली फिल्म। और हॉरर फिल्मों ने कभी भी हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों को लुभाया नहीं था। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जितनी भी हॉरर फिल्में हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनी, उनमें आपको बड़े कैरेक्टर बहुत कम नज़र आएंगे, विरले उदाहरण हैं। और एक तरीके से इन हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड की फिल्में ही कहा गया। और चंद ही अभिनेताओं का किला थी 50 और 60 के दशक वाली एक्शन फिल्मों की तरह। 20 साल बाद 1962 की एक फिल्म थी, या वो कौन थी 1964, गुमनाम 1965 की कामयाबी भी बड़े सितारों को हॉरर फिल्में करने के लिए खींच नहीं पाई। और रामसे ब्रदर्स के मैदान में आ जाने के बाद तो ये अलगाव पक्का हो गया। उसी साल राजेश खन्ना की आने वाली पहली फिल्म एक हॉरर फिल्म थी, डेनी डेंजोक्पा द्वारा निर्देशित और काम चलाऊ से कुछ बेहतर आरडी बर्मन का संगीत लिए। आज फिर वही रात, साल 1980, खास रामसे की हॉरर फिल्म लग सकती है, लेकिन जब वो बनाई गई थी तब तक राजेश खन्ना एक बड़ा नाम थे। फिल्म इस किस्म की फिल्मों के आम साजो सामान से ऊपर उठ जाए, इसके लिए पहली बार निर्देशक बने डेनी ने फिल्म में काफ़ी कुछ डाल दिया था। कुछ अच्छे गीत भी थे, जैसे लता मंगेशकर का नैना तरसे और जगदीप के साथ एक अच्छा खासा कॉमेडी गाना भी। सही कहें तो किसी सितारे की उपस्थिति से फिल्म बच जानी चाहिए थी, और डेनी के पास राजेश खन्ना के रूप में एक सितारा था। लेकिन अफसोस कि राजेश खन्ना की मौजूदगी फिर वही रात के लिए भारी रही। पहले सीन में ही सफारी सूट पर कमरबंद पहने राजेश खन्ना अलग से दिखाई दिए। करियर में पहली बार एक नई एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई थी और वो उनके बड़े भाई की भूमिका निभाने की उम्र के लग रहे थे। लेकिन फिर वही रात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खटकी वो ये कि गीतों में भी राजेश खन्ना अपने आप में नहीं लगे, और हैरानी नहीं कि कुछ सालों में फिल्म हमेशा के लिए बिसर गई। अपने से पहले दिलीप कुमार और बाद में अमिताभ बच्चन से विपरीत राजेश खन्ना शायद वो वाहिद अदाकार सितारे थे जो अपने किरदारों को बुनियादी तौर पर बदल नहीं पाते थे। उन्होंने अपने बाहरी रूप को बदलने की कोशिश की बंधन और दाग जैसी फिल्मों के साथ, लेकिन दुश्मन जैसे किरदार जिनमें उनका कायापलट ही हो गया था अपवाद थे। फिर भी ये मानना गलत होगा कि उनके अंदर के फनकार को सितारे से चुनौती मिलती नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते, चुनौती नहीं मिलती थी। उन्हें दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन से ये बात अलग करती थी कि किसी भी किरदार को अलग ढंग से अदा करने के लिए शारीरिकता पर भी निर्भर नहीं होना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर उनका सूक्ष्म सा फर्क कर देने ही जाने पहचाने किरदार को इतना अलग कर देता था कि नतीजा जादू कर देने वाला होता था, जैसे वो अपनी अगली फिल्म के साथ साबित करने वाले थे। इस्माइल श्रॉफ द्वारा लिखी और निर्देशित थोड़ी सी बेवफाई 1980 की ये फिल्म और इस नए दशक में उनकी ये पहली बड़ी सफलता थी, और उसमें पुराने राजेश खन्ना की झलक थी। थोड़ी सी बेवफाई का हीरो कर्म
या फिर वही रात का जो नायक है हीरो है जैसा लग सकता था, लेकिन उसे सिर्फ हल्के से संयम के साथ अदा करके राजेश खन्ना ने उस किरदार को, उस नायक को, हीरो को उन किरदारों जैसा बना दिया जैसे वो अपने बहार के दिनों में किया करते थे, जो राजेश खन्ना का परंपरागत स्टाइल था। राजेश खन्ना ने अपनी खास अदाओं पर काबू रखा जिससे वो मुमकिन लगने वाला सितारा अदाकार पर हावी नहीं हुआ। थोड़ी सी बेवफाई की कहानी में राजेश खन्ना और शबाना आजमी की भूमिकाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन पटकथा ऐसे तैयार की गई जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी पर्दे पर राजेश खन्ना की मौजूदगी कम होती गई, इसलिए इसे मुख्य भूमिका भी समझा जाता है और चरित्र भूमिका भी। यहाँ शायद एक इशारा छुपा था जो अगर राजेश खन्ना समझ लेते तो अच्छा होता। वक्त आ गया था अधपकी मुख्य भूमिकाओं की बजाय मजबूत कैरेक्टर किरदारों के बारे में सोचने की। फिल्म ने राजेश खन्ना को टिकट खिड़की पर कामयाबी दिलाई और किशोर कुमार और गुलजार के को गीत हजार राहें मुड़ के देखीं कहीं से कोई सदा नहीं, आपको याद होगा बहुत मशहूर गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। खयाम का संगीत थोड़ी सी बेवफाई की रूह है और चाहे आने वाले दशकों में फिल्म इतनी अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन उसके गीत जैसे आंखों में हमने आपके सपने बसे, बहुत मशहूर गाना है लता और किशोर दा की आवाज़ में, आज बिछड़े जो भूपेंद्र दा की आवाज़ में, या फिर मौसम मौसम लवली मौसम अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में बहुत लोकप्रिय गाने। अगर थोड़ी सी बेवफाई ने राजेश खन्ना के अंदर अभिनेता की ऐसे किरदारों को करने की ख्वाहिश दिखाई जो सितारे को परे रख सके, तो उनकी आने वाली फिल्म ने बिना शक ये साबित कर दिया। जहां तक फिल्मी सितारों का प्रश्न था, राजेश खन्ना की भूमिकाओं की जो विविधता वो सबसे रोचक थी। रेड रोज साल 1980 के साथ वो अपनी इस विविधता को कुछ और ऊपर ले गए, क्योंकि ये सोचना भी मुश्किल था कि उस दौर में राजेश खन्ना के अलावा कोई बड़ा अभिनेता एक मनोरोगी की भूमिका को मंजूर करता। उनकी इस भूमिका को करने के फैसले को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ हो सकता है कि राजेश खन्ना अपने दिलचस्प किरदारों की जमा पूंजी को और भी दिलचस्प बनाना चाहते हों, दूसरी तरफ हो सकता है कि उन्होंने नाकामयाबी का डर ही खो दिया हो। करियर के जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके थे वहां उनके लिए किसी भी चुनौती को मंजूर करना आसान था, जबकि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता किसी भी हालत में रेड रोज जैसी फिल्म करने के बारे में सोचते भी नहीं। सच तो यह है कि 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना भी उससे परहेज करते, लेकिन फिर वही बात, वक्त वक्त की बात होती है। पी भारती राजा की तमिल फिल्म सिगुप्पू रोजाक्कल 1978 में आई थी जिसमें कमल हासन थे और वो बहुत सफल रही थी। उसी का हिंदी रूपांतर बॉक्स ऑफिस पर असफल रहा। रेड रोज हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिल के तारों को कभी नहीं छू पाती, सिर्फ इसलिए कि वो अपने नायकों को पागल होते देखने के आदि नहीं थे। तारीफ की बात यह है कि रेड रोज ने कभी इस वजह से अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी कि मुख्य धारा का एक अभिनेता दिमागी तौर पर बीमार आदमी की भूमिका कर रहा था। भारती राजा ने खास हिंदी फिल्मों की तरह राजेश खन्ना के किरदार की हरकतों को पटकथा की जरूरत से ज्यादा सही साबित करने की कोशिश नहीं की और इस तरह उसे असाधारण बना दिया। दर्शकों की पहुंच महाभारत जैसे महाकाव्य तक होने के बावजूद भी, जिसमें लगभग सभी पात्र ग्रे रंग लिए हैं, स्लेटी रंग, हिंदी सिनेमा खासकर लोकप्रिय सिनेमा ने मुश्किल से ही नायक को कभी ब्लैक एंड व्हाइट से हटकर कुछ करने दिया। इस अर्थ में रेड रोज में राजेश खन्ना की भूमिका एक विरला उदाहरण है जिसमें हिंदी सिनेमा का हीरो बिना किसी नैतिक सीमा के काम करता है, और चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, ये फिल्म निर्माण की एक दिलकश मिसाल है। भारती राजा के निर्देशन संपादन की वजह से रेड रोज एक जापानी पिंक फिल्म के भारतीय रूपांतर जैसी लगती है। सिनेमाघरों में लगी एक सॉफ्ट कोर पॉर्नोग्राफिक फिल्म। पिंक फिल्मों की तमाम खासियतें, सीमित बजट, कुछ सेक्स सीन, सब रेड रोज में हैं, लेकिन मानव मन की जटिलता को समझने की सूझबूझ देने की उसकी विशेषता उसे इस विधा के करीब ले आती है। राजेश खन्ना ने अपनी तड़क भड़क इस भूमिका में जोड़ दी और अपने जाने पहचाने हाव भाव भी उसमें जोड़ दिए, लेकिन ये कहना गलत होगा कि उन्होंने अति की।
ये वो वक्त था जब खलनायक कुछ भी हो सकता था, लेकिन दबा हुआ नहीं। लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी स्टार वाली अदाओं को इतना दबा दिया कि जिससे लगे जैसे वो शून्य में अटके हों। आर डी बर्मन का बांध लेने वाला संगीत फिल्म के सफारी आकर्षण को बढ़ा देता है। रेड रोज की तरफ एक नज़रिया ये हो सकता है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी, और ये बात है कि बाद में उसका एक जापानी रूपांतरण भी बना, जैसा कि कुछ वेबसाइट्स में जिक्र है, फिल्म के पिंक फिल्म्स के नज़दीक होने का सबूत है। साल खत्म होने से पहले राजेश खन्ना ने दो और फिल्में की, बंदिश 1980 की और आंचल 1980 में आई, जो व्यावसायिक पहलू से एक हिंदी फिल्मी सितारे से की जाने वाली उम्मीदों जैसी ज़्यादा थी। और बंदिश में उनके साथ हेमा मालिनी थी, और इन दोनों के साथ निर्माता डी रामा नायडू की दूसरी फिल्म थी। प्रेमनगर के बाद एक 38 वर्ष के आदमी का मेडिकल कॉलेज के छात्र की भूमिका अदा करने की कल्पना करना भी मुश्किल था। अब आज के दौर में मत लीजिए, आज तो 50 साल के हीरो भी कॉलेज गोइंग बॉय का रोल करते हैं, और राजेश खन्ना की मुश्किल कई गुना बढ़ गई इस सच की वजह से कि उन्होंने अपने बदन के रखरखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया, यानी कि न ही उसकी आम तंदुरुस्ती पर। उस दौर में ऐसा था, लोग फिटनेस को हीरो इतना तवज्जो नहीं देते थे, पेट निकल आया, बॉडी नहीं है कोई खास, बाल कम हो गए, चेहरे का फैट बढ़ गया, उस दौर में ऐसा होता नहीं था। हीरो बहुत ज़्यादा जिम कल्चर था नहीं, तो राजेश खन्ना के साथ भी ये चीज़ें थीं। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी कॉलेज के छात्र थे, और डैनी उसके क्रोधी सहपाठी। बंदिश की ही तरह आंचल भी बेहद नाटकीयता से भरी थी। फिल्म पूरी तरह गांव की पृष्ठभूमि पर बनी थी, एक बार फिर राजेश खन्ना को गैर शहरी किरदार निभाने का मौका देती हुई। दोनों फिल्में औसत कारोबार करने वाली थी, और आंचल कुछ बेहतर, और राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्मों की तरह इनका संगीत फिल्मों से ज़्यादा टिका, यानी कि संगीत तो चला लेकिन फिल्में नहीं चलीं। और इसी तरह साल 1980 राजेश खन्ना के लिए ख़त्म हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।